तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी लाभार्थियों से बातचीत की। सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर स्वयं सहायता समूह को यहां पर चेक्स वितरित किए गए। आपको बता दें कि ऑनलाइन पैसा भी इस दौरान ट्रांसफर किया गया। तो सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, लखनऊ की ये सीधी तस्वीरें हैं जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी लाभार्थियों से सीएम योगी आदित्यनाथ बातचीत करते हुए नजर आए और इस दौरान अधिकारियों को भी तमाम दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, सीएम आवास की ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर स्वयं सहायता समूह के सभी लाभार्थियों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बातचीत की और इस दौरान उनके खातों में पैसे भी ट्रांसफर किए गए हैं। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, लखनऊ की ये तस्वीरें हैं। 80 लाख हम लोग हर वर्ष स्वेटर बनवाते हैं, अगर इनकी बुनवाई उत्तर प्रदेश के अंदर ही महिला स्वयंसेवी समूह करने लग जाए या स्कूली बैग का निर्माण महिला स्वयंसेवी समूह करने लग जाए तो हम कहीं बाहर से क्यों खरीदेंगे, हम इन्हीं से खरीदेंगे और मुनाफा यही कमाएंगे। क्योंकि जैसे मास्क वगैरह के बनाने में हमने कपड़ा उपलब्ध करवाया, अब कपड़ा उपलब्ध कराने के बाद हम ये अनिवार्य करने जा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति बाहर निकले तो मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं, अगर वो मास्क नहीं लगाएगा तो जुर्माना हम करेंगे। लेकिन साथ साथ मास्क भी सस्ते में उपलब्ध हो, इसके लिए महिला स्वयंसेवी समूह से कहा जा रहा है कपड़ा हम देंगे आपको, प्रत्येक मास्क का पैसा भी देंगे और आप प्रयास करें कि 10 रुपये में 2 मास्क मिल जाए और बाकी जो पैसा होगा वह सरकार आपको उपलब्ध करवाएगी, तो आपके लिए तो आम के आम और गुठली के भी दाम हो जाएंगे। यानी मास्क भी आप बनाने का काम मिलेगा, लोगों की सुरक्षा भी आप कर देंगे और साथ साथ हम समाज को भी सुरक्षित करने में सफल हो जाएंगे। तो अनेक प्रकार से कार्य भी मिल रहा है लोगों को, मुनाफा भी मिल रहा है लोगों को और साथ साथ हम समाज को कोरोना के संक्रमण से बचाने में भी एक बड़ा कार्य कर सकते हैं। ऐसे ही यूनिफॉर्म के बनाने में भी, यूनिफॉर्म इतनी बड़ी मात्रा में बनाना है, यूनिफॉर्म बनाने के बाद हम लोग चाहते हैं कि महिला स्वयंसेवी समूह की रैंकिंग हम करें, अच्छा काम अच्छी सिलाई कौन करता, फिर बाजार से इन्हें कपड़ा उपलब्ध करा करके और इन्हें हर साइज के कपड़े बनवाने की व्यवस्था, फिर उसकी पैकिंग करवाना, फिर उसको यहां से विदेशों में बेचने के लिए भिजवाने की तैयारी करना। ये अपने आप में यूपी एक ब्रांड बनेगा, यानी रेडीमेड गारमेंट्स का भी एक बहुत बड़ा हब उत्तर प्रदेश को हम बना सकते हैं, ये काम यहां पर किया जा सकता है। दूसरा, कारपेंटरी का ही काम कोई करना चाहता है, बहुत सारा स्कोप है उसके लिए भी, फर्नीचर, सोफा, टेबल, विद्यालयों में कुर्सी मेज बनाने की व्यवस्था, अलग अलग प्रकार के कार्य बड़ी मात्रा में होने हैं। इस कार्य के लिए वे लोग अभी से अपनी तैयारी करें, हम उन्हें लोन उपलब्ध करवाने की तैयारी करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने अभी 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज केवल इन लोगों के लिए उपलब्ध कराया है और अगर सभी लोगों के लिए देखेंगे तो ये लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है, बहुत भारी पैकेज है, हर व्यक्ति को काम मिल सकता है बशर्ते हम सब उसमें रुचि लें। प्लंबरिंग का ही काम देखेंगे तो याद करिए प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल ही कहा था कि हर घर नल की योजना, आप थोड़ा मुझे बताइए कि क्या बिना प्लंबर के पाइपलाइन बिछा पाएगा कोई, और वो पाइपलाइन क्या अधिक दिनों तक रह पाएगी अगर प्लंबर उसकी मरम्मत नहीं करेगा। यानी हर घर में एक नया प्लंबर खड़ा हो सकता है और उस एक नए प्लंबर के माध्यम से हम प्रदेश के अंदर कम से कम 1 लाख लोगों को नई नौकरी उपलब्ध करवा सकते हैं प्लंबरिंग के माध्यम से। अब आप ही समझ सकते हैं कि अगर घर बनाया है तो रंगाई पुताई भी होगी ही होगी, तो बिना पेंटर के सब काम नहीं होगा, तो हर एक व्यक्ति को काम उपलब्ध हो सकता है। दूसरा, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से भी हम लोगों ने एक व्यवस्था की है कि हर एक व्यक्ति को, जो 15 प्रकार की कारीगरी है, कोई सैलून का काम करता है, कोई मोची का काम करता है, कोई राजमिस्त्री का काम करता है, कोई हलवाई का काम करता है, कोई अन्य अलग अलग जो कार्य होते हैं, इन लोगों की ट्रेनिंग
और फिर इनको टूल किट उपलब्ध करवाना, फिर बैंकों से आसान किस्तों पर सस्ते दाम पर ने ऋण उपलब्ध करवाने की तैयारी करना, इस पर भी हमारा कार्य चल रहा है। मेरा ये मानना है किसी के लिए काम की कमी नहीं, और मैं धन्यवाद दूंगा ग्राम्य विकास विभाग को कि इन्होंने उस समूह को भी टच किया है जो अब तक उपेक्षित था, खासतौर पर बनटांगिया गांव। आजादी के 70 वर्षों तक उन लोगों को न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था, न स्कूल था, न शिक्षा थी, कुछ भी स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं थी। आज लगभग बनटांगिया के सभी गांव इन सुविधाओं से आच्छादित हुए हैं। आज वहां मकान मिल रहे हैं, कार्ड मिल गया है, राशन मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है। अब उनके स्वयंसेवी समूह भी अलग अलग कार्यों के साथ, कोई बकरी पालन, कोई मुर्गी पालन, कोई पत्तल का निर्माण, कोई दुग्ध डेयरी के साथ जुड़ रहा है, किसी न किसी कार्य के साथ जुड़ रहा है। हमारे मुसहर जाति के लोग जो सबसे कमजोर माने जाते थे, मुझे याद है काफी दिनों तक मैंने इनकी लड़ाई लड़ी थी, और इस मुसहर समुदाय की लड़ाई को आगे बढ़ाते समय मैंने इनकी पीड़ा को देखा था। आज उनके पास अपने मकान हो रहे हैं, आज उनके पास राशन कार्ड बन रहे हैं, आज उनको जॉब कार्ड बन रहे हैं, आज उनका आयुष्मान भारत का कार्ड बन रहा है, आज उनको पेंशन मिल रहा है, और आज उनके समूह बनकर के अब उन्हें भी हम इस प्रकार की आजीविका समूह के साथ जोड़ करके स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर रहे हैं। ऐसे ही थारू जनजाति से जुड़ी हुई जो समूह है उनके लिए भी अनेक कार्य के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अभी काशी में एक बड़ा काम हुआ है, वहां पर काशी बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है। बाबा विश्वनाथ मंदिर में भगवान को चढ़ाए गए जो पुष्प हैं, उन पुष्प को लेकर के नौगढ़ चंदोली का एक समूह उससे इत्र बनाता है, उन पुष्पों से वह अगरबत्ती और धूप बनाने का काम कर रहा है, और हर एक समूह उसके माध्यम से काफी पैसा कमा रहा है। एक बड़ा काम, यानी भगवान को चढ़ाया गया जो पुष्प है उसको हम फेंकने नहीं दे रहे हैं, बल्कि उसका भी उपयोग कर रहे हैं। उससे इत्र भी बन रहा है, उससे अगरबत्ती और धूप भी बन रही है, और बाकी जो बचा उससे कंपोस्ट बना करके खेतों में डाल करके फिर से अच्छी फसल भी हम उत्पादन कर रहे हैं। एक साथ कई कार्य, इसलिए कार्य की कमी नहीं, हमारी इच्छा शक्ति और कार्य करने का जज्बा अगर बना रहेगा तो कोई कमी कार्य की कहीं नहीं हो सकती है। ये कार्य यहां पर इसके माध्यम से हुआ, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर, यानी इस दौरान जो प्रदेश के अंदर 12,000 से अधिक जो महिला स्वयंसेवी समूह महिलाओं ने 8 करोड़ मूल्य के 57 लाख से अधिक मास्क बनाए हैं, यानी काफी बड़ी मात्रा में बनाए हैं, और इसके साथ ही 85,000 से अधिक मास्क तो केवल कोटेदारों को उपलब्ध करवाए हैं, 8,000 से अधिक सैनिटाइजर महिला स्वयंसेवी समूह ने बनाया है, और 139 मीट्रिक टन से अधिक अनाज इकट्ठा करके 16,000 से अधिक परिवारों को निशुल्क वितरित महिला स्वयंसेवी समूह ने उत्तर प्रदेश में किया है, और 27,000 से अधिक पीपी किट का निर्माण भी हमारे प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में महिला स्वयंसेवी समूह ने किया है। यानी ये एक बहुत बड़ा कार्य हम लोगों का है, और मुझे लगता है कि इस कार्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और तेज इसको करने की आवश्यकता है। मुझे आज बहुत प्रसन्नता है, हम लोग एक कार्य के लिए हमेशा चिंतित होते थे लॉकडाउन के दौरान भी, और आज भी हमारी चिंता है। आप याद करिए, जब प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण पैकेज घोषित किया था, उस पैकेज में कुछ घोषणा की थी कि एक जनधन अकाउंट धारी जितनी भी महिलाएं हैं उनके अकाउंट में हर महीने 3 महीने तक 500-500 रुपया आएगा, लेकिन 500 रुपया आता था, अगले दिन लोग बैंकों में लंबी लाइन लगा करके खड़े हो जाते थे, उससे कोरोना का खतरा बढ़ जा रहा था, हम लोग चिंतित थे कैसे होगा। ऐसे ही हर किसान के खाते में हर महीने 3 महीने तक 2,000-2,000 रुपए देने की व्यवस्था थी, पैसा आया अगले दिन लोग खड़े होते थे। ऐसे ही हम लोगों ने निर्माण श्रमिकों के लिए किया, 32 लाख निर्माण श्रमिक और अन्य ठेला रिक्शा खोमचा पटरी व्यवसायी पल्लेदार कुली इन सभी के लिए और
विश्वकर्मा श्रम सम्मान से आच्छादित लोगों के लिए भी हम लोगों ने 1000 रुपये भरण पोषण भत्ते की घोषणा की। हमने उनके अकाउंट में पैसा देना प्रारंभ किया। पता लगता था अगले दिनों लाइन में बैंकों में खड़े हो गए। एक तो उससे होता क्या था कि जब लोग इकट्ठे होते थे तो संक्रमण, ज्यादा भीड़ होने से संक्रमण का खतरा बढ़ता था, कोरोना का संक्रमण का खतरा बढ़ता था। दूसरा, इसके कारण बैंकों को जो अपना दूसरे कार्यों में अपना समय लगाना था वो समय केवल पैसा वितरण करने में खर्च हो रहा था। अब एक नया कार्य हम प्रारंभ करने जा रहे हैं प्रदेश में, यह है बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी। बहुत बड़ा कार्य है ये, यानी ये महिला जो स्वयंसेवी समूह है इन्हीं में से किसी अलग अलग बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी जो बनेंगी, ये बहुत बड़ा काम करेंगी। जिस गांव की होंगी उसी गांव की महिला बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी अगर बनेगी तो वह गांव में पैसे के लेन देन को गांव में ही करवा देगी, बैंक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बैंक केवल बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी ही बैंक के साथ उसका संबंध होगा और यह जितना भी लेन देन होगा यह डिजिटल होगा। इससे बहुत बड़ा काम हो सकता है और इसके लिए आज हम 58,000 बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी की घोषणा कर रहे हैं और मैं चाहूंगा कि प्रशासन हर एक जगह इन 58,000 बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी को तत्काल तैनात करने की व्यवस्था करें। इसमें जो योग्य हो, जिसके पास थोड़ी जानकारी हो, उन लोगों का चयन ईमानदारी के साथ करना। इसमें 4000 रुपये महीने आगामी 6 महीने तक उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। डिवाइस के लिए 50,000 रुपये उन्हें उपलब्ध करवाए जाएंगे, यानी और इसके बाद जब उनके साथ एक गांव में अलग अलग अकाउंट धारी जो पैसे का लेन देन कर रहे हैं ये सब जुड़ जाएंगे तो बैंक उनको कमीशन देना प्रारंभ करेगा, तो उनके पास एक निश्चित आय हर महीने की बन जाएगी। आप सोचिए, एक साथ 58,000 लोगों को आप सीधे सीधे बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी के माध्यम से सीधे सीधे रोजगार दे देंगे। मैं इसके लिए बैंक को भी और ग्राम्य विकास विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक ग्रामीण स्वावलंबन का आधार बनेगा। हमारी माताओं बहनों को अब बैंकों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, अब बैंक उनके घर में जाएगा। यानी तो ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे।